से पहले दो तीन पॉइंट्स बता रही हूँ आपको जो याद रखने हैं। पहली बात तो ये कि पूरा पेपर में हर एक सेक्शन पूरा गो थ्रू होना चाहिए, ठीक है। आपको जो डूएबल पार्ट मिलेगा आपको पहले वो करना है। फॉर एग्जांपल जीए की बात करें, जीए का लेवल नहीं पता, ईजी आएगा टफ आएगा कैसा आएगा, तो जितना आता है उतना करिए। जो टेलीग्राम पर सर्कुलेट हो रहा है 30+ गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 30 करके आओ, हो सकता है आप 20 सही करके आ रहे हो तो आपको पूरे 20 के 20 मिलेंगे। अगर आपने 30 कर दिए 10 गलत कर दिए तो नंबर वैसे ही कम हो जाएंगे, तो ऐसी गलती नहीं करनी। हाँ, 2 से 3 में आप गेस कर सकते हो करंट अफेयर्स या जो भी जीए का सेक्शन रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा आती है आपके मैथ्स सेक्शन की बात। तो मैथ्स की अगर मैं आपसे बात करूँ, मान लो आपने जहाँ से भी स्टार्ट किया, जो भी आपका डूएबल पार्ट आपको मिलता है, अप्रॉक्सीमेशन मिल गया, अगर नंबर सीरीज मिल गई या आपको क्वाड्रेटिक मिल गई, तो सबसे पहले आप उसको करना। डेटा सफिशिएंसी अगर आपको आती है, देन इसके बाद आप उस पर मूव कर सकते हो। देन आप अर्थमेटिक और डीआई जो भी डूएबल लगे आप उस पर करिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको डीआई में ऐसा दिखता है कि 5 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन तो डूएबल थे, 5वां आपको कैलकुलेटिव लगता है, देन आप उसको लीव करोगे। यही एक स्मार्ट अप्रोच होती है, क्योंकि उसकी जगह हो सकता है आप अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन कर लो, चाहे वहाँ से एक नंबर पाओ चाहे वहाँ से पाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट है, पेपर आपको बहुत अच्छा होगा। और प्लीज़ पहले से दिमाग में कुछ नहीं बनाकर जाना है। जो भी टेलीग्राम पर उल्टी सीधी चीज़ें शेयर हो रही हैं कि ये पहले करो वो पहले करो, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, इंग्लिश में आप एक काम कर सकते हो कि जो आरसी आपका होता है ना, वो आप लास्ट में उसे टाइम दे सकते हो, क्योंकि मिसलेनियस पार्ट आप पहले कर लेना, क्योंकि आरसी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और आरसी में स्मार्ट अप्रोच करना है, जो क्वेश्चन आपको तुरंत मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वोकैब्स टाइप मिल गया, फ्रेजल वर्ब हो गए, रिप्लेसमेंट हो गया, एरर फाइंड करनी हो गई, फिलर्स हो गए, इस तरह का अगर आरसी में मिलता है देन आप उसको पहले कर लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में टाइम लगेगा वैसे इन्फ्रेंस बेस्ड में, तो ऐसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आइएगा, बताना पेपर कैसा हुआ। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ और, जितने भी स्टूडेंट्स SBI क्लर्क मेंस देके आएंगे, उसके बाद रुद्रापुर वाली क्लास में आपको लाइव आना है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं BI की। बाय बाय, टेक केयर।